गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, एक प्रश्न हमेशा आएगा, एक नहीं मतलब है ना, इनमें से देख, संगा रस की परिभाषा, हास रस, करुण रस, विभस रस, रोध रस, अद्भुत रस, वीर रस, शांत रस, भयानक रस, वात्सल्य रस, इन सभी को आप याद करने बैठोगे क्या? नहीं, इन सभी की आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूं अभी कि आपको सारे के सारे एक मतलब 5 मिनट में याद हो जाए तो कैसा रहे। तो चलिए फटाफट से बताते। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें आप भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच जीत सकते। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्द से स्कॉलरशिप में रजिस्टर की और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहां इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जिसमें आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और इनाम। आज की वीडियो में कक्षा 9वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा 2022 इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% पास हो जाओगे। तो क्योंकि हम इस वीडियो में आपको ट्रिक से बताएंगे, ठीक है, ट्रिक देख लेना। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ATA Rupees Panchal के ऑफिशियल YouTube चैनल पर। यार गाइस सबसे पहले मैं आपको बोल दूँ, मेरी वीडियो नहीं आएगी अगर आप इसी प्रकार से मेरे कॉमेंट बॉक्स को, अपने कॉमेंट बॉक्स को ख़राब करते रहो। यार मैंने, आपने बोला रियल पेपर लाओ, मैं रियल पेपर भी डाल दिया हूँ, लेकिन यार फेक है वो। यार अगर रियल पेपर नहीं मिले तो यार मतलब यार सिर फोड़ दूँ, नहीं मिल रहा है भाई, नहीं भेजूँगा मैं, फेक तो बनाऊँगा नहीं। मैंने उस वीडियो में बताया है, लेकिन पूरे IMP अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आप 60 से 70 नंबर लाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, रियल पेपर खोज रहे हो, तो इस वीडियो को देख लो और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा भाई, कि ट्रिक से सब कुछ अभी के अभी याद होगा। हम ना तो समझाएंगे, ना आपके दिमाग में बैठाएंगे, ना कुछ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक बताएंगे। और ट्रिक बताने के बाद अगर आपको वो समझ में ना आए, याद ना हो, तो फिर बोल देना आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप पास 100% होगे। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, यार वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, एक प्रश्न हमेशा आएगा, एक नहीं मतलब है ना, इनमें से देख, संगा रस की परिभाषा, हास रस, करुण रस, विभस रस, रोध रस, अद्भुत रस, वीर रस, शांत रस, भयानक रस, वात्सल्य रस, इन सभी को आप याद करने बैठोगे क्या? नहीं, इन सभी की आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूं अभी कि आपको सारे के सारे एक मतलब 5 मिनट में याद हो जाए तो कैसा रहे। तो चलिए फटाफट से बताते। पेपर के पीछे मत पढ़ो, पेपर में ये चीज़ आ चुकी 101% अगर इन प्रश्नों में से एक प्रश्न नहीं आए तो। और सिर्फ अगर आपने ये चीज़ याद कर लिया एक ट्रिक, तो आपको सारे के सारे 10 के 10 ही प्रश्न याद हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। देखिए आपको याद करना है, सहृदय का हृदय में स्थित, ठीक है, इस खालिस्तान नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ खालिस्तान रस होता है। अब यहाँ पर रस देखिए, फॉर एग्जांपल हम देख सकें कि किसकी परिभाषा बनाना चाहते हो। अगर आप वीर रस की बनाना चाहते हो, चलिए वीर रस ले लेते कि भाई वीर रस होता है ना, वीर रस की परिभाषा बना रहे हो तो यहाँ पर लिख दो वीर रस, ठीक है, वीर रस होता है। अब भाई आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा वीर रस का स्थाई भाव क्या है, क्या है, उत्साह है, तो आपको यहाँ पर उत्साह लिखना पड़ेगा, क्या, उत्साह, बस। और ये आपकी वीर रस की परिभाषा जो है ना कंप्लीट हो गई है, क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, होगी क्या है, सहृदय का हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब है ना विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ वीर रस होता है। और यह 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी में उपयोगी है, 100% इसके नंबर जो है ना मिलते हैं, एक भी अंक नहीं कटते, इतनी बड़ी अगर परिभाषा लिखोगे आप। बाकी अगर आप किताब की देखोगे तो वो आपको ना तो याद होगी ना आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि भाई वो रट्टा मारने वाली, ठीक है, ये पूरी पूरी श्योर है, ठीक है, रिसर्च किया हूँ तब जा कर लाया हूँ, ठीक है। चलिए अब अगली चीज़ आपको बताते हैं, तो इस चीज़ को तो आप अवश्य याद कर लीजिएगा, ठीक है, सारे के सारे आपको क्या करना, इसके स्थाई भाव याद कर लेने, याद करने के बाद आपको परिभाषा बना कर देखना है बस, और ये काम आपको आधे घंटे तक करना है जिसमें आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई प्रैक्टिस इज द बेस्ट, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद आएगा भाई साहित्य मिष्ठान, जो कि 101% आएगा, उसकी आपको रचनाएं लिखने पड़ेगी, ठीक है, और कला पक्ष भाव पक्ष, उसके बाद आपको साहित्य मिष्ठान। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कला पक्ष में तो आपको जो है ना उसके कुछ भी लिख दो, कला पक्ष में उसकी कि भाई ये कवि बहुत अच्छे थे, इनके ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इनकी भाषा सरल थी, सुबोध थी, ऐसे ऐसे। और भाव पक्ष में भी इसके लिए ऐसे लिख दो, इनके भाव बहुत ही सरल थे, बहुत ही अच्छे अच्छे भाव थे, बहुत ही मीठे मीठे भाव, मतलब लोगों के लिए सुभाव थे, है ना, ऐसे कुछ भी लिख दो। तो नंबर तो नहीं कटेंगे ना, आपके स्कूल वाले आपके टीचर्स ये तो सोचेंगे नहीं भाई बच्चे ने कुछ तो लिखा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम जानते हैं साहित्य मिष्ठान। तो भैया मैंने कला पक्ष भाव पक्ष तो आपको बता दिया, अब साहित्य मिष्ठान कैसे लिखे इसकी ट्रिक देखते हैं। तो देखिए ये लिख देना आपको कि जिस प्रकार फूलों की माला में फूलों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक उसी प्रकार हिंदी साहित्य में खाली स्थान का महत्वपूर्ण स्थान है, इनके बिना साहित्य जगत सुना सुना लगता है। अब यहाँ पर आप जिन्हें कवि का चाहे उतना लिख उनका लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हम कबीर कबीर जी का लिखते हैं ना, कबीर कबीरदास जी का, ठीक है, कबीरदास ये ली कबीरदास जी भी लगा दीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। देखिए अब क्या बन जाए बन गया, जिस प्रकार फूलों की माला में फूलों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक उसी प्रकार हिंदी साहित्य में कबीरदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है, इनके बिना साहित्य जगत सुना सुना लगता है, ठीक है। तो अगर आपने ये समझ लिया तो आपके आपके 3 से 5 नंबर कंप्लीट हो गए, क्योंकि भाई ये जो है ना ये दो दो जगह आने आ सकता है, ठीक है, 6 नंबर भी आपको मिल सकते हैं, है ना। और अभी मैंने आपको वो चीज़ बताई उसके भी मिलेंगे, वो भी आना ही, ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए भाई उसके बाद आती है हमारी एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको जो ना आपको कौन सी याद करनी है, आपको आवेदन पत्र याद करना है, आपको कोई वो याद नहीं करना है कि भाई अपने मित्र को ये बधाई पत्र लिखो ये लिखो, ठीक है, आपको दोनों में से एक याद करना है, जो ज़्यादा अच्छे से याद होता है वो याद कर लो। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जो कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक तो ये कर लेनी है, ठीक है, एक आपको थोड़ी बहुत और कर लेनी है, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। देखिए ये लिखना कैसे ये देख लो, सबसे पहले सेवा में श्रीमान, है ना, श्रीमान प्राचार्य महोदय, और यहाँ पर स्कूल का नाम या पता, है ना, दोनों लिख दो। एक बात ध्यान रखना, स्कूल का नाम अगर नहीं बोले प्रश्न में अगर हमें निर्देश दिया जाए कि ये लिखिए तो आपको वही लिखना है, वही पता लिखना है। अगर आपको प्रश्न पत्र में डायरेक्ट लिखने को कहा जाए और स्कूल का नाम न दिया जाए तो आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। अगर आप ये लिख देते हो सिर्फ 1, 2, 3, 4 लाइन तो इसका एक नंबर आपका कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। सभी आप अगर नहीं भी पढ़ो तो सिर्फ ये रट लो, ठीक है। उसके बाद देखो अगर विषय विषय की बात आती है तो विषय के बाद आपको जो प्रश्न पत्र में दिया गया, जो प्रश्न पत्र में बोला गया, देखिए मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC प्राप्त करने हेतु। तो देखिए हमारा विषय क्या बन जाएगा, ये यहाँ से ही बन जाएगा ना, प्रश्न पत्र में ही रहता है विषय कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है, ये हो गया आपका विषय। आपको विषय में ये का ये उतार देना है, देखिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, आपको इसके एक नंबर इसके मिल जाएंगे, विषय के पूरे हो गए 2 नंबर, ठीक है ना, एप्लीकेशन पूरे 4 नंबर की रहती है, 2 नंबर हो गए। उसके बाद एक नंबर जो है ना ये रहता है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, है ना। बाकी आपको लिखना है किस भी है, सभी को इधर ही लिखना है, ठीक है, सबसे पहले 2 लाइन खींचना है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद लिखना महोदय, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है सेवा में विनम्र निवेदन है, मैं आपके कक्षा का ये छात्र हूँ, आपको चाहो है ना मैं इस कक्षा से हूँ, यार मेरा ये कारण है, मेरे पापा का वहाँ पर ये हो गया, स्थानांतरण हो गया, इसलिए मैं आपके विद्यालय में आगे से पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे जो है मैं ताकि अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूँ, इसलिए मुझे जो है ना स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इसका एक नंबर मिल जाएगा आपको, कितना, एक नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है यहाँ पर, फिर से इसी लाइन में इधर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर लिख देना दिनांक XYZ कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र है ना, और नाम XYZ, उसके बाद कक्षा नबी, ये 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3, 4, अगर 4 लिख देखो तो एक नंबर इसका मिलेगा, यानी ऐसा कर करके आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी सरलता से आप याद कर सकते हो और नंबर प्राप्त कर सकते हो पूरे पूरे। तो आपको इसी प्रकार से याद करना है, अगर आप चाहे तो अगर याद भी नहीं करो इस प्रकार से अगर आप याद कर लो, देखिए ये इसमें कुछ नहीं होता है, बीच में सिर्फ आपको अपना ये बस सेवा में लिखना है पड़ता है अपना अपना कि आप कौन हो, है ना, उसके बाद आप कौन सी कक्षा से, ये लिख दो क्या क्या तकलीफ है वो लिख दो, है ना, जिसका लिख रहा है ऐसा, है ना, ऐसा कैसे लिखना आपको। अब चलिए अगला पॉइंट पर हम बात करते हैं, चलिए अगली है हमारी कि भाई यहाँ पर निबंध। तो देखिए निबंध जो है ना, एक तो आपको विज्ञान का चमत्कार का याद करना है, एक आपको COVID-19 का याद कर लेना है, ऐसे करके 2-3 याद कर लेना है, लेकिन ये लिखना है कैसे, तो देखिए इनकी सबसे पहले आप रूपरेखा लिखो, रूपरेखा सबसे सरल है, इसमें आ जाएगी, जैसे ये जो पॉइंट लिखे हो ना आप, ये सारे के सारे इसमें उतार,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रस्तावना भी इसमें आ जाएगी, विज्ञान के लाभ भी इसमें आ जाएंगे, और लाभ के बाद कौन कौन से क्षेत्र में क्षेत्र भी आ जाएंगे इसमें, उसके बाद विज्ञान हानि कौन कौन से क्षेत्र में हानि है वो भी आ जाएगी, उसके बाद उपसंहार ये भी आ जाएगा। आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, अच्छे से देख लेना है गाइड में से और अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद एंड अलग से देखिए, अगर आपने ये याद कर लिया तो चार नंबर तो पक्के, ठीक है। उसके बाद अलग से आएगी रूपरेखा लिखने के लिए, सिर्फ रूपरेखा, यानी कि ये पॉइंट पॉइंट लिखने का कि भाई ये प्रस्तावना, विज्ञान के लाभ, विज्ञान सानी, उपसंहार किसी विषय पर, तो उसके दो नंबर मिलेंगे आपको अगर वो लिख देते हो आप, है ना, कितने छः, केवल और केवल छः पॉइंट लिख देते हो तो दो नंबर। इस प्रकार से आपको कितने नंबर हो जाते हैं, छः नंबर, चार दो छः नंबर हो जाते हैं, ठीक है। कितने नंबर हो जाते हैं, छः नंबर हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इतनी चीज़ें पढ़ लो आप, ये जो है आना ही है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया हूँ तो आपको वीडियो जा करके अच्छे से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको अलंकार भी याद करना है ना, रस तो मैं याद करवाई दिया पूरा एक ही वीडियो में इसमें, ठीक है। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है।